आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट। अब ये सर्वलेट क्या है? सर्वलेट है एक जावा का प्रोग्राम, मतलब डॉट जावा फाइल, जो एग्जीक्यूट होगा सर्वर साइड पे। अब नॉर्मल रिक्वेस्ट रिस्पांस वेब मॉडल में वेब क्लाइंट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और वेब सर्वर अगर ये रिक्वेस्टेड पेज उसके रिपोजिटरी में अवेलेबल है तो क्लाइंट को रिस्पांस देता है। वेब क्लाइंट से वेब सर्वर को जो रिक्वेस्ट मिलता है वो होता है HTTP रिक्वेस्ट, और वेब सर्वर से वेब क्लाइंट को जो रिस्पांस मिलता है वो होता है HTTP रिस्पांस। लेकिन वेब सर्वर सिर्फ स्टैटिक कंटेंट ही दे सकता है। अगर उसे डायनामिक कंटेंट देना है तो उसके पास होना चाहिए वेब कंटेनर। यहाँ पे वेब कंटेनर को हम कहेंगे सर्वलेट इंजिन। सर्वलेट इंजिन के लिए हमें यूज करना होगा जावा एनेबल्ड वेब सर्वर, जैसे कि अपाची टॉमकैट, ग्लासफिश या और कोई। तो चलिए देखते हैं ये सर्वलेट इंजिन किस तरह से काम करता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है, वेब सर्वर हमें सिर्फ स्टैटिक पेजेस ही दे सकता है, ना कि डायनेमिक पेज। तो डायनेमिक पेजेस एक्सेस करने के लिए वेब सर्वर के पास होता है हेल्पर एप्लीकेशन, जिसे हम कहेंगे वेब कंटेनर। अब क्लाइंट अगर डायनामिक रिक्वेस्ट करता है तो ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाएगा, और वेब सर्वर इसे वेब कंटेनर को देगा। यहाँ पर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसे हम कहेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब क्लाइंट के हर रिक्वेस्ट के लिए वेब कंटेनर थ्रेड क्रिएट करेगा। अब JVM इस सर्वलेट ऑब्जेक्ट को मेमोरी में लोड करेगा और क्रिएट करेगा सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। अब इस सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को लाइफ साइकिल के पहले मेथड, यानी इनिट ब्रैकेट में सर्वलेट कॉन्फिग मेथड को भेजा जाएगा, जो कॉल करेगा पैरामीटर लेस इनिट मेथड को। यहाँ पर क्रिएट होगा रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट। क्योंकि वेब सर्वर वेब कंटेनर को HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पांस देता है, और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो इसे समझ नहीं पाता, इसलिए रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा लाइफ साइकिल के सेकेंड मेथड, यानी सर्विस मेथड को। सर्विस मेथड क्लाइंट का रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करेगा और उसका आउटपुट रखेगा रिस्पांस ऑब्जेक्ट में। इस रिस्पांस को वेब कंटेनर भेजेगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर से HTTP रिस्पांस जाएगा क्लाइंट के ब्राउजर में। HTTP रिस्पांस मिलने के बाद वेब कंटेनर नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए वेट करता है। ये वेटिंग पीरियड सर्वर के हिसाब से डिसाइड होता है। वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद थ्रेड डिलीट होता है और कॉल होता है लाइफ साइकिल का तीसरा मेथड, जो है डिस्ट्रॉय मेथड। अब सर्वलेट का कोड लिखेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे एक्लिप्स। सर्वलेट के लिए हमें यूज करना होगा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम इज माय प्रोजेक्ट 1। हम यहाँ यूज कर रहे हैं अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर। प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्रिएट करने के लिए हमें जनरेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हमारा माय प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर दिख रहा है। अब सर्वलेट क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन माय प्रोजेक्ट 1, सिलेक्ट न्यू सर्वलेट।
हमने जावा का पैकेज पीकेजी एंटर किया, क्लास नेम है सर्वलेट वन, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम है, हम एचटीटीपी सर्वलेट के जगह पे एज अ सुपर क्लास जेनरिक सर्वलेट यूज करेंगे। एचटीटीपी सर्वलेट एडवांस पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स दिख रहा है। पैरामीटर्स हम सर्वलेट कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट में स्टोर रख सकते हैं और इसे हम इनिट मेथड से एक्सेस करेंगे। यहाँ पैरामीटर का नाम लिखा है कॉलेज और उसका वैल्यू लिखा है एबीसी कॉलेज। इस प्रोग्राम में हमें लाइफ साइकिल के दो मेथड्स को यूज करना है, इनिट मेथड और सर्विस मेथड। सर्विस मेथड कंपलसरी होता है। सर्वलेट लाइफ साइकिल के सारे ही मेथड सर्वलेट एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। यहाँ हमें वेब सर्वलेट एनोटेशन दिख रहा है जो डिस्क्राइब करता है सर्वलेट। इस इंफॉर्मेशन पे हमें दिख रहा है यूआरएल पैटर्न और इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो हमने सर्वलेट क्रिएट करने के टाइम पे ऐड किए थे। हमारे पैटर्न होता है सर्वलेट का कॉन्टेक्स्ट पाथ जो सर्वलेट क्लास को मैच करता है। अब सबसे पहले सारे कमेंट्स को निकाल देंगे। इस प्रोग्राम में हमें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को रीड करके डिस्प्ले करना है। जैसे कि हमें पता है लाइफ साइकिल का पहला मेथड होता है इनिट मेथड, जिसके पैरामीटर में है सर्वलेट कॉन्फिग, जिससे हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे। इस फील्ड वेरिएबल का नाम दिया है कॉलेज। कॉन्फिग ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइजेशन पैरामीटर रीड करने के लिए मेथड यूज किया है गेट इनिट पैरामीटर और ब्रैकेट में लिखा है कॉलेज जो पैरामीटर का नाम है। सर्वलेट लाइफ साइकिल का सेकेंड मेथड है सर्विस मेथड, जिसके दो पैरामीटर्स हैं सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। यहाँ हम रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड यूज कर रहे हैं जो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इस ऑब्जेक्ट से हम क्लाइंट को कैरेक्टर टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। प्रिंट राइटर के प्रिंट मेथड को यूज करके हम यहाँ पे कॉलेज का नाम डिस्प्ले करेंगे जो क्लाइंट के ब्राउजर में दिखेगा। अब आउटपुट देखेंगे, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन द सर्वर।